अबे ओ गरीब भिखारी फटीचर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपना हुलिया देखा है, जींस फटी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं, और तू यहाँ बैठ के खाना खा रहा है? समोसे खाने की औकात नहीं है और तूने यहाँ पे 2500 का मेन्यू ऑर्डर किया? अरे इस टेबल को बुक करने में तेरा पूरा खानदान लग जाएगा। और तेरा ऑर्डर किसने लिया है? और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू गवार फटीचर कहीं के खड़ा हो, अपना हुलिया देखा है, जींस फटी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं, और तू यहाँ बैठ के खाना खा रहा है? इसका ऑर्डर किसने लिया है? मैम आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे खाने दीजिए। ओ हेलो, मुझे जानना भी नहीं है कि तू है कौन। अब तेरा ऑर्डर किसने लिया है? और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरी हिम्मत कैसे होगी? तू गवार फटीचर कहीं के खड़ा हो, तेरी हिम्मत कैसे होगी? तू जैसे भिखारी फुटपाथ पे खाने वाले यहाँ ऑर्डर देने आ गए हैं? जेब में पैसे भी है तेरे? तू अपने समझता क्या? यहाँ आया कैसे? तू क्या सोच के आया था? समोसे खाने की औकात नहीं और तूने यहाँ पे 2500 का मेन्यू ऑर्डर किया? अरे इस टेबल को बुक करने में तेरा पूरा खानदान लग जाएगा। फटीचर कहीं का, अबे ओ गरीब फटीचर, उठा इसे, अब बाहर जाके फुटपाथ पे खा, यहाँ खाने की तेरी हैसियत नहीं है। और ये ऑर्डर किसने लिया है? कौन है यहाँ पर? ओए इधर आ, इसका ऑर्डर किसने लिया? जी मैम मैंने लिया था। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑर्डर लेने की? हाथ क्यों उठा रहे हो? अबे तू कौन होता बीच में बोलने वाला? मैडम आप मार क्यों रहे हो? अच्छा तो तू मुझे सिखाएगा? अरे यहाँ के मैनेजर मैं हूँ कि तू है? तुझे मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। और तू, मैंने मना किया था ना, निकलो, तू यही खड़ा मुझे उनसे पूछना है कि यहाँ पे ऐसी कस्टमर सर्विस दी जाती है। अच्छा, मेरे ऑनर को मैं तुझे बुलाऊं? ऑनर से मिलेगा? तुम्हें पता भी है ये कौन है? अरे कौन है ये? ये यहाँ के ऑनर। मैम यहाँ के ऑनर तो आप हो ना? अरे बेवकूफ, मैं बस फ्रेंचाइजी के ऑनर, ये पूरे ब्रांड के ऑनर। क्या? सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था मैंने ऐसे एम्प्लॉयज हायर कर रखी है इस फ्रेंचाइजी के। सॉरी मैं कुछ काम। बस दीक्षा, मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम अपने पिताजी के नाम पे रखा है और मैं नहीं चाहता उनका नाम जरा भी खराब हो। उनके नाम पे मैंने रेस्टोरेंट रखा है और मैं इस चीज को लेके बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें तो इज्जत तक करनी नहीं आती कस्टमर की, तुम कैसे ट्रीट करते होगे उन्हें? दीक्षा, इन्होंने मेरे कपड़े देख के मुझे जज करा है, मैं नंगे पैर हूँ। अरे मैं नंगे पैर किसलिए? उसकी वजह तो जान लेते, जब मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो क्या मैं नंगे पैर? क्या मेरे पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे? बाहर किसी जरूरतमंद को मैंने वो जूते दे दिए, इस वजह से मैं नंगे पैर हूँ। पर तुम लोग कहाँ समझोगे? तुम लोगों के अंदर एजुकेशन तो है पर इंसानियत नहीं है, समझदारी नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है। और पहले जाओ संस्कार सीख के आओ। दीक्षा, आज से इस फ्रेंचाइजी का मैनेजर मिस्टर मैक्स हैं, इनकी पोस्ट इन्हें दे दी जाती है क्योंकि इन्हें लहजा है किस तरीके से बात की जाती है कस्टमर से। तो मिस्टर मैक्स कांग्रेचुलेशन, आज से आप यहाँ के मैनेजर हो। और तुम आज के बाद यहाँ दिखना नहीं। रजनी यू आर फायर्ड। दीक्षा सॉरी मैम। जस्ट शट अप। दीक्षा मैं तुम्हारे केबिन में जा रहा हूँ। गेट लॉस्ट।